दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ माई इंट्राडे में। दोस्तों मज़ा आ रहा है ना, आज इतने बड़े बड़े प्रॉफिट लोगों के मुझे मिले हैं कि दिल खुश हो गया। चलिए कल क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और देखिए अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अब कल क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो ये मार्केट क्लोज हुआ है आज, ये एक रेजिस्टेंस पर जाकर क्लोज हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस पर जाकर क्लोज हुआ है। ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को इसने कई बार टेस्ट किया हुआ है। ये देखिए कई बार इस रेजिस्टेंस को इसने टेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों मार्केट इस रेजिस्टेंस से रिवर्स हुआ है और आप देखेंगे एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन भी बन रही है, बहुत अच्छी एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। अगर मैं इसको फिर से सही ढंग से बनाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन है और ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। मार्केट लगातार इस रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, बार बार, एक बार टच किया, दो बार टच किया, तीन बार टच किया, यहाँ पर जाकर टच किया। दोस्तों कल के लिए ये लेवल नोट कर लीजिए, 14,900, 14,900 के ऊपर ही हम बाई करेंगे, 14,900 के ऊपर ही हम बाई करेंगे, इसके पहले हम इसमें बाई नहीं करेंगे। और अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को ये ब्रेक करता है तो दोस्तों दोबारा हम 14,700 और 14,600 के लेवल देख पाएंगे। बार बार मार्केट इसको ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है। आप देख रहे हो मार्केट ने ये लो बनाया था, उसके बाद ये लो बनाया, उसके बाद ये लो बनाया, इसके बाद ये लो बनाया, लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है। ये क्या है, लोअर लो है, यहाँ से लोअर हाई बनना शुरू हो गए, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये देखिए हायर हाई है, ये भी हायर हाई है और यहाँ पर भी ये हायर हाई है। तो दोस्तों आप देख रहे हो जब मार्केट इस तरह से मूव करता है, इस तरह से मूव करता है, अगर आप देखें तो मार्केट इसी तरह से, तो लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई बनाता हुआ मार्केट अप ट्रेंड में। यहाँ तक आप जो देखेंगे उस हिसाब से मार्केट कैसा है, अप ट्रेंड में। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाता है तो आप आराम से बाइंग पोजीशन में बैठ सकते हैं। अब मंथली एक्सपायरी आ रही है 2 दिन बाद और आपको पता है मंथली एक्सपायरी बहुत वोलाटाइल होती है और जब मंथली एक्सपायरी बहुत वोलाटाइल होती है तो मार्केट बहुत ऊपर नीचे करता है। आपको बिल्कुल इस जो हमने आपको अभी रेजिस्टेंस लाइन बनाई है और ट्रेंड लाइन बनाई है इसके ऊपर और नीचे ही आप ट्रेड करोगे, इसके बीच में कहीं पर भी आप एंट्री नहीं लोगे। इसके नीचे मार्केट निकलता है 14,700 और 14,600 का लेवल आपको मिल सकता है, 14,900 के ऊपर आप ट्रेड करोगे तो 15,000 एक तो राउंड नंबर है, दूसरा यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस और मिलेगा। तो आप इस लेवल को बड़े ध्यान से ट्रेड करिएगा, 14,900 के ऊपर 100 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो अगेन 100 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये हो गई निफ्टी की बात, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपेरिजन में आज स्ट्रांग था, लेकिन ये देखिए एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस, लगातार मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है और जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो आपको जो अगला टारगेट होगा वो ये होगा, आप नोट कर लीजिए, 34,400 के ऊपर निकलने पर मार्केट 34,600, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, 34,600 और उसके बाद 34,600
760, ये लेवल याद रखिएगा। मार्केट अगर 34,400 के ऊपर निकलता है और कंसोलिडेट करता है, यानी मार्केट इस जगह है, अगर मान लो कल क्या हो सकता है, मार्केट में तीन ही सिनारियो, मार्केट इस जगह क्लोज हुआ है, मार्केट इस जगह क्लोज हुआ है, या तो गैप अप ओपन होगा, या गैप डाउन होगा, या फ्लैट ओपन होगा। अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ निकलता है, 34,400 को ब्रेक करता है, बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तो आप 34,600 के टारगेट के लिए और 34,800 के टारगेट, 760 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हो। और अगर प्राइस एक्शन बनाता हुआ अपने इस लो के नज़दीक आता है, अब 34,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि ये भी एक राउंड लेवल है, और इस 34,000 को अगर ब्रेक करता है तो अगेन 33,600 तक मार्केट आ सकता है। तो लेवल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप देख सकते हो ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये बिल्कुल 34,000 के आसपास है, मतलब आप कह सकते हो 33,975 से लेकर 34,000 का लेवल है। अगर यहाँ पर आके फिर से देखिए, मैं फिर से आपको एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये जो लेवल है 33,975 के आसपास होगा लेवल, अगर मार्केट यहाँ पर आकर कंसोलिडेट करता है तो ये इसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगेन मार्केट 33,600 और 33,400 तक आ सकता है। तो आपको ख़रीदारी कहाँ करना है, 34,400 के ऊपर ख़रीदारी करेंगे 34,600 34,800 के लेवल के लिए, और अगर 34,000 को ब्रेक करता है तो 33,600 33,200 के लेवल के लिए आप जा सकते हैं। तो ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने के बाद ही मार्केट में कोई अपसाइड रैली आएगी। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। देखिए आप चाहे क्रूड ऑयल हो चाहे बैंक निफ्टी हो, मैं अभी आपसे बैंक निफ्टी की बात कर रहा था, जरा देखिए ध्यान से। पहले क्रूड ऑयल की बात कर लेता हूँ, क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन है। आप देखिए 4,516 के ऊपर हमने बाई दिया था, कल का भी आप क्रूड ऑयल का लेवल खोलकर देखिए। जो लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, उस पर आप क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। मैं डेली क्रूड ऑयल के लेवल और बैंक निफ्टी के लेवल मार्केट ओपन होने के पहले ही दे देता हूँ। देखिए सुबह 6:23 पर मार्केट ओपन नहीं हुआ था, उसके पहले ही हमने आपको लेवल दे दिया था। हमने आपसे कहा था क्रूड ऑयल 4,516 के ऊपर बाई करना है, 4,516 लेवल तो आया ही नहीं मार्केट। फिर हमने कहा था 44-44 पर सेल करना, जिसने भी 44-44 पर सेल किया है उसको 44-10 43-95 43-66 तीनों टारगेट अचीव हुए, आप देख सकते हैं। तो इसको भी मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखा दूं, चार्ट के ऊपर चलता हूं। ये देखिए क्रूड ऑयल की बात कर रहा था मैं, ये देखिए क्रूड ऑयल कहाँ पर ओपन हुआ, क्रूड ऑयल हुआ बिल्कुल 4,444 के आसपास, बिल्कुल 4,444 के आसपास एक क्रूड ऑयल ओपन हुआ, और यहाँ से लगातार लगातार नीचे गया है और हमारे तीनों टारगेट अचीव हुए, तीनों टारगेट अचीव हुए। और केवल क्रूड ऑयल ही नहीं, अभी आपको मैं बैंक निफ्टी दिखा रहा था, बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। ये देखिए पहली कैंडल आज की ये बनी थी निफ्टी बैंक की, बैंक निफ्टी फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए पहली कैंडल, आपको यहाँ पर हाई दिखेगा, पहली कैंडल में ही, ये तो 15 मिनट का चार्ट है, आप लोग 5 मिनट का चार्ट लगाकर एंट्री करते, 33,950 का हाई बनाया है पहला, दूसरा तीसरा तो छोड़ दीजिए। और हमने आपको बैंक निफ्टी में क्या दिया था, आप नीचे आइए देखिए, 833,804 पे बाई दिया था, 33,804 पे हमने आपको बाई दिया था, 33,710 का SL था और 33,950 पहला टारगेट। एक्चुअली तो ये टारगेट भी अचीव हुआ है, लेकिन पहली 15 मिनट के अंदर आपका पहला टारगेट अचीव हो गया। लेकिन कई लोग इस लेवल को ट्रेड करने में गलती करते हैं। मैंने YouTube पे अपना एक वीडियो डाला हुआ है कि मेरे दिए गए लेवल्स को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी और क्रूड ऑयल के लेवल को आप कैसे ट्रेड करो, ये मैंने वीडियो डाला हुआ है। आपको इन लेवल को ट्रेड करने के पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इन लेवल को आपको कैसे ट्रेड करना है। इसके अलावा ये देखिए, सर नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, न्यू लर्निंग सीरीज़ के वजह से सर आप निस्वार्थ भाव से सबका अच्छा सोचते हैं, इसलिए हमारा अच्छा हो रहा है, धन्यवाद। इनने भी एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया और इनने भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट, 12,531 रुपये का प्रॉफिट,
सैलरी इनकी 18,000 है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट तो ये ट्रेडिंग से कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और देखिए, ये देखिए, 5,66,450 रुपये का प्रॉफिट, गुरुजी प्रणाम, आज का प्रॉफिट, ओवरनाइट पोजीशन थी, सब आपकी कृपा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, आप सीख सकते हैं, लेकिन किसी एक चीज़ पर अडिक तो रहिए, आपको पता ही नहीं है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, मैं कहीं गया था घूमने, वहाँ पर एक बूंद बूंद करके पानी गिरता था और नीचे बिल्कुल सॉलिड पत्थर था। वो एक एक बूंद पानी कई वर्षों से गिर रहा है और जिस जगह वो एक बूंद पानी गिरता है उस जगह छेद हो गया है। मतलब एक एक बूंद पानी अगर लगातार किसी पत्थर जैसी चीज़ पर भी गिरता है ना, वो उसमें छेद कर देता है। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार एक ही चीज़ पर बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करने वाले हो, नो डाउट। बस आपको लगे रहना है लगातार। और हाँ, आप मेरे वीडियो को लाइक तो कर रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करिए। तो दोस्तों, ये क्रूड ऑयल की पोजीशन है, जो मैंने आपको लेवल टेलीग्राम पर दिए थे वो तीनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। अब क्या आप देख सकते हो, यहाँ से इतनी लंबी विक बनी, ये विक आप देख रहे हो अभी करेंट सिचुएशन 18:10 हो रहा है, ये इतनी लंबी विक बनी। इसके बाद दूसरी विक भी इतनी लंबी बनी। ये क्या शो कर रहे हैं, दो विक ये शो कर रहे हैं कि मार्केट इससे नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर न्यूज़ आ जाए तो बात दूसरी है। आप देखोगे ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट में एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, छह कैंडल, सात कैंडल, आठ कैंडल, नौ कैंडल, 10, 11 और ये 12वीं कैंडल बन रही है। तो ये जो 12 कैंडल हैं, ये यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये एक्यूमुलेट हो रहा है। अब एक्यूमुलेट जब होता है मार्केट तो दो कंडीशन होती हैं, या तो हमने आपसे कहा है कि जब भी लोअर टाइम पर एक्यूमुलेट होता है, इसको ब्रेक करता है, तो मार्केट तेज़ी से नीचे जाता है। और अगर इसी रेंज को, ये जो रेंज है, ये जो हमने आपको अभी कैंडल गिनी थी, इसके हाई के ऊपर बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक इसको ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता। 4400 का टारगेट बड़े आराम से आपको ईजिली मिल सकता है आज के दिन। तो दोस्तों, आपको प्राइस एक्शन सीखना होगा, ये देखना है कि मार्केट कहाँ पर रेंज बना रहा है, कहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहा है, अपर साइड में एक्यूमुलेट कर रहा है, लोअर साइड में एक्यूमुलेट कर रहा है। दूसरी चीज़, ये जो इसने रिवर्स लिया है, ये देखिए, यहाँ पर रजिस्टर जो सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था, इसके पहले भी आप देखेंगे तो आपको इसके पहले भी आपको सपोर्ट मिलेगा। ये देखिए, इसके पहले यहाँ पर सपोर्ट है, तो आप अगर देखेंगे तो ये अपने सपोर्ट से, ये देखिए ये अपने सपोर्ट से क्या कर रहा है, रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, ये अपने सपोर्ट से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, जहां पर इसने सपोर्ट लिया है, मार्केट उसके आसपास है और मैंने आपको एक रेंज बता दी है, उस रेंज से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आप बाई कर सकते हो, और मार्केट अगर उससे नीचे की तरफ जाता है तो आप सेल कर सकते हो। ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये विक को छोड़ दीजिएगा, ये लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, शांति से बैठिए। इस दौरान आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर निकलता है तो आप बाई करिएगा। लगभग लगभग ये लेवल होगा 4350 के आसपास, 4350 के आसपास या 4348 के आसपास, यहाँ पे आप इसको बाई करिएगा, ये वाला स्टॉप लॉस लगाइएगा और इस टारगेट का आप वेट करिएगा। बात करते हैं कॉपर की। दोस्तों, कॉपर आज वोलाटाइल है, आप देख रहे हैं कॉपर आज वोलाटाइल है। मार्केट गैप डाउन खुला, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर यहीं रुका हुआ है। अगर आप एक दिन आज ट्रेड नहीं करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मार्केट में आज कॉपर के लिए कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। इसलिए आप इसे आज जो कुछ कर रहा है करने दीजिए, इसके बाद जब भी हमको समझ में आएगा कल ट्रेड कर लेंगे, कल अगर लेवल मिलेगा परसों ट्रेड कर लेंगे। ज़बरदस्ती कूदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है,
बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में जो आपको हमने लेवल दिया था, ये देखिए हाई बनाया है इसने नेचुरल गैस ने, ये कल का हाई है, आज ठीक इसी हाई को रिस्पेक्ट किया है मार्केट, इसी हाई को रिस्पेक्ट किया है। इसके पहले भी ये हाई था, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि 86 के ऊपर मार्केट निकलेगा तभी हम इसमें बाइंग आएगी। ये देखिए ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, मार्केट जब तक इसके ऊपर जाके क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। हाँ एक चीज़ ज़रूर है, एक चीज़ ज़रूर है, वो क्या है, मार्केट को एक बार, मार्केट बहुत अच्छी तरह अपने लोअर लेवल को होल्ड कर रहा है, लेकिन मैं अगर होऊंगा तो एक बार मार्केट को इस जगह पे आने पर अगेन सेल करूंगा, 1 या 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लेके, और टारगेट वही 184 182। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है और 15 20 मिनट यहाँ पे टहल नहीं लेता है तब तक हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो ये मेरा शायद लगभग 2 या 3 दिन बचे हैं 1 महीना कंप्लीट होने में, अगर आप लोगों के लाइक आते रहेंगे तो मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, अन्यथा मैं सीरीज़ को रोक दूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने ग्रुप में, और आप लाइक करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे उतना हमें प्रेरणा मिलेगी इस वीडियो से, आपके लाइक से। थैंक यू।